नमस्कार देश विदेश गुरुत्वपूर्ण खबर सहित बुलेटिन को स्वागत करछि मु राकेश नजर पकेबा वर्तमान टॉप हेडलाइन चोपरे मिशिला मन छिंडिला आसन अंक महाराष्ट्र 162 टी सीट रे बीजेपी ओ 126 सीट रे लड़िबा शिवसेना नागपुर प्रार्थी हे देवेंद्र फडणवीस सेपटे नामांकन दाखल कले मनोहर लाल खट्टर धारा 370 उच्छेद को नहीं सुप्रीम कोर्ट रे सुनानी जवाब रखिबा को केंद्र को 4 सप्ताह देले कोर्ट सप्ताह भीतर पक्ष रखिबे आवेदनकारी आसुची पूजा कमिला सुनादर मासे भीतर कमिलाणी 3000 टंका ग्राहक खुश बाजार गरम अक्टोबर 4 ट्रैक रे गड़िबो तेजस एक्सप्रेस यात्री को मागणारे मिलिबो पानी बोतल 25 लाख टंका यात्रा बीमा यात्रा रे विलंब हेले यात्री पाइबे क्षतिपूरण फेरीगला मौसुमी देश में 1994 वर्षर रेकर्ड भांगा 2019 टलमल बिहार स्थिति बेहाल बुलेटिन आरंभ करवा वर्तमान निर्वाचन संपर्कित खबर शेष में सब् कल्पना जल्फलन अंत हो महाराष्ट्र आसन बुझाणा कर भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना एने बीजेपी महाराष्ट्र सभापति चंद्रकांत पाटिल और शिवसेनार वरिष्ठ नेता सुभाष देसाई दस्तखत एक प्रेस बृत्ति में सूचना दीजिए बीजेपी 162 और शिवसेना 126 आसन निर्वाचन लड़े जमापड़ तेज उपमुख्यमंत्री पद शिवसेना को मिले कहपटे बीजेपी पक्ष प्रथम पर्याय प्रार्थी तालिका प्रकाश पाई मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नागपुर दक्षिण पश्चिम प्रार्थी होता बेले कोथरुड्रु चंद्रकांत पाटिल को प्रार्थी करा दैछि पाटिल कोथरुड विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे राष्ट्र सरकार में मंत्री चंद्रकांत दादा पाटिल कोथरुड विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे सतारा विधानसभा से जो शिवेंद्र सिंह छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज हैं वह चुनाव लड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी के ओर से शिवेंद्र सिंह श्री शिवेंद्र सिंह जी भोसले यह छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज हैं उसके साथ ही श्रीमती मुक्ता तिलक जो लोकमान्य गंगाधर तिलक के घराने की बहू हैं वह कस्बा पेट विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगी नामांकन दाखल करे हरियाणा उप मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर कर्नल आसन से निर्वाचन लड़ा नहीं नामांकन दाखल करपर गणमाध्यम को प्रतिक्रिया खट्टर कहते चलित थर सर्वाधिक भोट्रे से विजयलाभ करेंगे और भारतीय जनता पार्टी पुणि थर सरकार गठब इस समय उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अन्य वरिष्ठ भाजपा नेता उपस्थित थे परवर्त खबर को जी काश्मीर धारा 370 हटा नहीं सुप्रीमकोर्ट में आगत एक मामलार शुणी होने केन्द्र सरकार पक्षर् पक्ष रखा 28 दिन समय दीजिए यह सहित ए संपर्क में जवाब रखापी आवेदनकारी एक सप्ताह महल दि जाएगी गत अगस्ट 5 तारीख में केन्द्र सरकार जम्मू काश्मीर धारा 370 उच्छेद करते जम्मू और काश्मीर सह लदाख को दुईट केन्द्रशासित अंचल में परिणत कर केन्द्र निष्पत्ति को चैलेंज कर सर्वोच्च न्यायालय में पिटिशन दायर कर आसंता 4 तारीख आरंभ हो तेजस ट्रेन सेवा भारत प्रथम घरोई ट्रेन तेजस एक्सप्रेस दिल्ली ठारू लखनऊ पर्यंत चलाचल कर बड़ कथा हो ट्रेन जातायात समय जदि यात्रा विलंब हुए तेज यात्री को विलंब बाबद क्षतिपूरण दिज्वे पानी बोतल सहित आर सुविधा मिल जड़े जात्री को मात्र गोटे पानी बोतल जगह दीजिए सेपरी जात्री को 25 लाख टकर निःशुल्क यात्रा बीमा भी जगह दीजिए केन्द्र सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी आज 22 किलोमीटर व्यापी दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे तृतीय पर्याय उद्घाटन करते देशर प्रथम 16-लेन एक्सप्रेस केन्द्रमंत्री कहते राजमार्ग में मात्र 45 मिनट में दिल्ली मेरठ यात्रा संभव हो पारे कह ए प्राय 1058 कोटी टंका व्यय कर पूजा पूर्व कमी सुनादर फल ग्राहकों को बड़ आश्वस्ति मिली गत 2 दिन भितर सुनादर 10 ग्राम पिछा 900 टंका कमी सारा मसे ते सुनादर 39,885 टंका थी बेले मसक भितर यह बारंबार ह्रास पाई एवं 36,811 टंका पहुंची से रूपा दर ह्रास पाई किलो पिछा 44,056 टंका पहुंची
ପୂଜା ପୂର୍ବରୁ ସୁନାଦର କମିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସି କରିଦେଇଛି। ଆଜି ଜାତୀୟ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ରକ୍ତଦାନ ଦିବସ। ଏହି ଅବସରରେ ଦିଲ୍ଲୀସ୍ଥିତ ନିର୍ମାଣ ଭବନ ପରିସରରେ ଏକ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ଚୌବେ ଏହି ଶିବିରରେ ଯୋଗଦେବା ସହ ଏହାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଏମ୍ସରେ ପହଞ୍ଚି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ନିଜେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବେ ରକ୍ତଦାନ କରିଥିଲେ। जीवन में कम से कम एक बार, यहाँ तो कहा गया है कि जीवन में कम से कम एक बार, लेकिन मेरा ये कहना है कि कम से कम एक साल में एक बार, और उसको याद करने के लिए सबसे आसान तरीका है कि अपने जन्म दिवस पर और कुछ ना करिए, अपने माता पिता से आशीर्वाद लीजिए, मंदिर बाद में जाइए, पहले ब्लड बैंक जाइए और वहाँ जाके चुपके से अपना रक्तदान। मैंने रक्तदान और कई बार 5 साल तो ऐसा रहा जब मैं यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट और उस समय रहा, तो साल में 5 बार 6 बार अभी तक जहां तक मुझे स्मरण है कि 132-133 बार मैंने ब्लड दिया है। ଦିଲ୍ଲୀ ମାନେକଶା ସେଣ୍ଟରରେ ଥିବା ରକ୍ଷାଲେଖା ବିଭାଗର 273ତମ ସ୍ଥାପନା ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଛି। ଏନେଇ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ରକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହ। ଏ ଅବସରରେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଓ ବିଭାଗୱାରୀ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ରକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ। ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ଔର ମୈଁ ପୁରେ ଦେଶ ଆପକୋ ଫିର ଇସ୍ ବାତ କା ବିଶ୍ୱାସ ଦିଲାତା ହୁଁ କି ହମାରୀ ସରକାର ଭାରତ କେ ବିକାଶ କେ ରାସ୍ତେ ମେ ଆନେ ୱାଲେ ସଭି ବ୍ୟାରିୟର୍ସ କୋ ରିମୁଭ କରନେ କେ ଲିଏ ପୁରୀ ତରଫ ସେ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ହୈ ଔର ମୈଁ ପୁରେ ଦେଶ କେ कोने कोने में जहाँ पर भी हमारे फोर्स के जवान हैं, आर्म फोर्सेज के हमारे साइंटिस्ट हैं और डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं, उनसे मिलने की मैं अपनी तरफ से भरपूर कोशिश कर रहा हूँ और मुझे पूरा भरोसा है कि डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट अपनी एक्सलेंट सर्विसेज से तीनों हमारी जो सेनाएँ हैं, DRDO है, हमारे यंग सर्विसमैन वेलफेयर है, डिफेंस प्रोडक्शन, बॉर्डर रोड्स एवं अन्य जो एंसिलरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको गति प्रदान करेगा। नेशनल सिक्योरिटी एक मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट बन चुका है तथा इसमें इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, एनर्जी तथा फूड सिक्योरिटी, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन आदि इसके की डायमेंशंस के रूप में भी शामिल हैं। और भारत जैसी इमर्जिंग इकोनॉमी के लिए बढ़िया फाइनेंशियल मैनेजमेंट का होना बहुत ही आवश्यक है। हमारी गवर्नमेंट हमारे इर्द गिर्द बदलते इन्वायरमेंट के अनुसार जो कुछ भी परिवर्तन हो रहे हैं उसको अडॉप्ट करने के प्रति पूरी तरह से संवेदनशील है और वक्त की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इसे उचित गति से अडॉप्ट करना आवश्यक भी है। प्रबल वर्षा जो बिहार और उत्तर प्रदेश में बन्या विपत्त लगी रही बेले मौसुमी ऋतु शेष होता नहीं सूचना देती भारतीय पाणीपाग विभाग। 30 सेप्टेम्बर सुधा देश में मौसुमी ऋतु शेष होती तेज देशर विभिन्न स्थान में सबुठ बेसी वर्षा रेकर्ड होती यहाँ 1994 वर्षा रेकर्ड भांगी कह बुलेटिन समय होइछे ब्रेक र ब्रेक पर देखिबा आउ किछि आंचलिक खबर।